आ गए हैं फ्रेंड्स हम लोग हॉल में, और ये एंट्री हुई हमारे दूल्हे साहब की। तो मतलब हमको आने में लेट हो गया था, जैसे हम लोग आए वैसे ही दूल्हे की एंट्री हुई। खैर इतना तो था कि चलो हम लोग के आने के बाद दूल्हे की एंट्री हुई ताकि मैं वीडियो मिले सब अच्छे से। तो बाद बाकी आगे का व्लॉग आपको कंटिन्यू करिए। और फ्रेंड्स यहाँ दूल्हे की गाल सेकने की रस्म चल रही है। अभी जो भी गाल सेक रही वो दुल्हन की नानी है, और उसके बगल में फिर उसकी चाची और पता नहीं और रिलेटिव लोग हैं। तो सब धीरे धीरे एक एक करके मतलब दूल्हे के गाल वो पान के पत्ते से सेका जाता है। ये हम लोगों का मेरा रस्म है, पता नहीं आप लोग में ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट में बताइए फ्रेंड्स आप लोगों में ये रस्म होता है कि नहीं। बस देखते रहिए आगे। गाना कोई नहीं गा रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नजराना ब्लॉगिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स अभी हम लोग हॉल में आ गए हैं और बारात भी आ गया है। बारात का भी इज्जत कर दी हम लोग जितना हो सका अभी, और अभी जा रहे हैं लेडीज़ को भी बारात मंगाई उन लोगों को खाना देने के लिए। और आज हम नकाब चेंज नहीं किए हैं। और उधर फ्रेंड्स यहाँ निकाह हो गया, उधर जब तक हम लोग बारात की जितनी लेडीज़ मंगाई थी उन लोगों को नाश्ता वास्ता दे रहे थे, और इधर निकाह हो गया हम लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन भीड़ इतना ज़्यादा है फ्रेंड्स, हॉल में भी भीड़ देख सकते हैं। और अभी आप दुल्हन को सब तैयार करने जा रहे हैं और दिखा दें सब दुल्हन को रेडी करने का। और अभी क्या बोलते फ्रेंड, बहुत हैवी आंधी आ गया है देख एकदम से। एक पहले फ्रेंड्स यहाँ देखिए मौसम एकदम चेंज हो गया, बादल पूरा काला हो गया और बहुत तेज़ आंधी और मतलब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे निकाह हुआ वैसे ही मौसम ख़राब हो गया। खैर अल्लाह का शुक्र था कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छे से हो गया है। ये देख सकते हैं फ्रेंड कितना हैवी आंधी उठा हुआ और साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई है। हाँ फ्रेंड्स अभी दुल्हन को सब तैयार करने आए थे ससुराल वाले की तरफ से, तो जब तक दुल्हन रेडी होती हम लोग जा रहे अपने घर, जब विदाई के टाइम में आएंगे फिर। और अभी दुल्हन अपने घर पे आ गई है और यहाँ बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम हम लोगों में होता है बिहारी लोग में, और ये कुछ पत्ता से खेलने का रस्म होता है, दुल्हा दुल्हन खिलाया जाता है, बस एक मस्ती के लिए सब होता है। और माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, बस अल्लाह दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। ये खाला ओ खाला मोदी जी आपका पीछे खाला मोदी जी के पीछे पानी में मिला क्या सिंदूर में डाला।
रो रहा है, रो रहा है, फालतू कौन रो रहा है? अरे इन लोग इतना चालू संदल का पिसा ही नहीं दिया बच्चा। अरे सोनी, अरे सोनी, चंदन का पैसा इन दिलो जो चंदन पैसा ले भी तुम ना। अरे क्या हुआ यहाँ पर? जब संधि मिलन हो रहा है, ये है दूल्हा का बड़े पापा, क्योंकि दूल्हा के खुद के पापा नहीं, उनका डेथ हो चुका है, तो इसलिए संधि मिलन दूल्हा के बड़े पापा इस पर किया जा रहा। और जो पहना रहे हैं वो लड़की के बड़े पापा हैं, तो वो अपना जो रस्म होता है संधि मिलन करने का वो कर रहे हैं दोनों। इनको मिला ना तो अभी हमारे वो है ना, और लास्ट रस्म यहाँ उसके सामने में होता है वो सलामी देने का, जो लड़का को पैसा और अंगूठी पहनाया जाता है, जितने भी अपने रिलेटिव लोग हैं वो पहनाते हैं, जिसको जितनी हैसियत वो अपने हैसियत के हिसाब से 100, 500, 1000 जिसको जो सलामी होता है वो देते हैं, और चांदी की अंगूठी लड़के को पहनाते हैं। तो बस अभी यहाँ पास वही रस्म चल रहा होता है। खराब हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पास घर भरने का रस्म, जो कि वो दूल्हा दुल्हन लोग मतलब घर भरते हैं वो वाला रस्म होगा। उस पर सबसे वो लास्ट मोमेंट जो विदाई वाला होता है, हर कोई इमोशनल हो जाता है उस वक्त में, बस लास्ट वो है। इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसी रहिएगा, पीछे हो जाइए, अपना मोबाइल पीछे की तरफ से सामने देखिएगा सर, चारों आदमी सामने देखिएगा, ठीक है भैया छोड़ दीजिए, हो गया, चलिए। चल चल
ये है फ्रेंड दुल्हन के पापा, और इसके बाद लड़की चल जाएगी गोवा, फिर यहाँ पता नहीं कब आएगी, मुलाकात कब हो।